प्रदेश विधान परिषद चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम तय किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से विश्वास जताया है। इस विश्वास को लेकर मौर्य सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें सच्चाई का आईना दिखाकर खरी खोटी सुनाना शुरू कर देते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने नामांकन को लेकर बीते दिनों जानकारी साझा की। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि नामांकन के दौरान अखिलेश यादव उनके साथ मौजूद रहेंगे। एक वक्त पर समाजवादी पार्टी को कोसने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य आज अखिलेश यादव के साथ हो गए हैं। अखिलेश यादव के सुर में सुर मिला रहे हैं और इन सबके बीच ही ये बदला हुआ मिजाज पसंद नहीं आया जनता को स्वामी प्रसाद मौर्य का। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जय सिंह नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, अरे तुम इधर क्या करने आए थे और क्या हो गया, बीजेपी को हराने की बात करने वाले खुद ही हार गए। ऋषिकेश पांडे नाम के यूज़र ने लिखा, योगी जी को खाने वाले खुद ही पिछले दरवाजे से विधान परिषद में घुस रहे हैं। सईद राजू नाम के यूज़र ने लिखा, अरे मगरू चाचा जी अकेले अकेले टिकट कटवा लिए, अपनी बेटी दामाद बेटा बहू और लोगों को टिकट कौन दिलाएगा। चंद्रिका मिश्रा नाम के यूज़र ने लिखा, बिना जनाधार वाले ऐसे नेताओं पर पार्टियां योग्य और पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं को उपेक्षित कर ऐसे नेताओं को सत्ता तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद साफ हो गया कि अपनी चीज़ ना बचाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य प्रदेश के OBC वोटर्स की ठेकेदारी कर रहे थे। अभिनव त्रिपाठी लिखते हैं, यूपी चुनाव में BJP को उखाड़ने की बात करने वाले खुद ही उखड़ गए, तोहफे में MLC की सीट मिल रही है। तो देख सकते हैं आप, स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी बदल ली, राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जनता का गुस्सा मौर्य पर फूटता जा रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।